अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, जैसे ही आप बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और मुहर्रम का दिन इसलिए चल रहे हैं कि जो कि शिया कम्युनिटी है वो ये दिन जो है इन दिनों में सोग मनाती है हज़रत हुसैन जो हैं उनकी याद में। और यहाँ पर एक श्रीनगर मेन स्ट्रीट लाल चौक में जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है। आपको मैं बता दूँ कि हु इज़ हुसैन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। आज की धूप अगर है तो धूप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग जो है काफ़ी तरफ प्यासे होते हैं, पानी पीने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें काफ़ी तरह लोग आके पानी पीते हैं और हुसैन की याद में ये चीज़ें हो रही हैं। और हमारे साथ यहाँ के एक नुमाइंदे जुड़े, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये क्या इनिशिएटिव और किस जानिब से लिया जा रहा है। सर, आप बताइए कि ये इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा तफसीलन बताइए। जी, ये हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन है, एक NPO है, UK बेस्ड, और इसके चैप्टर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। तकरीबन 70 सिटीज़ में ये इस वक्त काम कर रही है 2012 से। कश्मीर में हमने 2015 से स्टार्ट किया चैप्टर, 6 साल पहले, और कई एक्टिविटीज़ हमने की हैं और सोशल मीडिया पे अभी हम एक्टिव हैं। तो आज सिंस मुहर्रम चल रहा है और इमाम हुसैन की शहादत के दिन चल रहे हैं, तो हमने, क्योंकि उन्हीं के नाम से ऑर्गेनाइजेशन भी है हु इज़ हुसैन, तो हमने यहाँ पे सिटी, चूँकि सिटी सेंटर है लाल चौक, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे सिटी सेंटर में कैनोपी रखेंगे और मुहर्रम के जितने भी ये दिन हैं वहाँ हम फ्री पानी और जूस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। काफ़ी तरह ऐसे लोग भी हैं जिनको, काफ़ी तरह सुन्नी भाई हैं और शिया कम्युनिटी को बखूबी इस बात से वाकिफ़ है। शिया कम्युनिटी जो है वो ये दिन जो है सोग मनाती है और काफ़ी सुन्नी भाई जो है वो हमारे जानना चाहते हैं आखिरकार खोज क्या है, आखिरकार ये जो दिन मनाए जाते हैं किस जानिब से मनाए जाते हैं, इसके बारे में तफसीलन बताइए। जी, बेसिकली इमाम हुसैन जो है वो किसी सेक्ट के लिए नहीं है, वो मतलब पूरे सेट्स के लिए हैं। और ये हम एक पैम्पलेट है हमारा, ये अगर आप भी देखेंगे तो इमाम हुसैन जो है वो उनकी एक मैसेज है फ्रीडम की, सेक्रीफाइस की, ह्यूमैनिटी की, और उसमें पूरी ह्यूमैनिटी आती है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्ट्स। तो हम चाहे हमारे शिया भाई हैं, सुन्नी भाई हैं या नॉन मुस्लिम हैं इवन, हम उनको ये इमाम हुसैन की मैसेज देते हैं और उनको पानी पिलाते हैं, और अगर वो पूछते हैं कि आप क्यों ये काम करते हैं तो हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं इमाम हुसैन और उनकी जो सेक्रीफाइस है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा काफ़ी तर जो है लोग यहाँ आके पानी पीते हैं और इस गर्मी में जो है ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा लिया गया है हु इज़ हुसैन की जानिब से। और हमारे साथ एक और भाई भी जुड़े, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, जो ये मुहर्रम के दिन है और इस्लामिक तौर पर ये पहला महीना होता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करें। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये इनिशिएटिव लिया गया है किस जानिब से लिया गया है और इसके बारे में तफसीलन बताइए। जी, एक्चुअली जो हमारा मेन मोटिव है दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ शाउट आउट एंड अवेयरनेस शाउट आउट टू द पीपल हु नो हुसैन, जो हुसैन को जानते हैं, जो हुसैन को नहीं जानते हैं, जो अवेयर हैं, जो अनअवेयर नहीं है। बिकॉज जो ये दिन है ये इस्लाम के वो दिन हैं जिसमें इस्लाम को फतह मिली है, तो हम अपना ये वक्त इसमें यूटिलाइज़ करते हैं कि हम इसके ज़रिए लोगों तक एक मैसेज पहुँचाएँ यूनिटी का, पीस का, अमन का, जो इसका असली मकसद है। तो इस वजह से हम ये एक छोटा सा काम कर रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, तो पानी के ज़रिए हमारी जो अवेयरनेस है वो आगे चलती है, लोग आते हैं, हम पैम्पलेट्स देते हैं, पीपल गेट अवेयर। असली मकसद हमारा ये है, बाय द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ विल कम टू नो इट मींस हु इज़ हुसैन, तो हुसैन कौन है। तो हम इसी पे काम करते हैं कि लोग हुसैन को जानें, तो क्योंकि हुसैन एक किसी मिल्लत के, किसी कौम के, किसी फिरके के नहीं, हुसैन पूरे ग्लोब के हैं। तो This is our part. एक और बात जानने की कोशिश करेंगे, आपने स्टॉल जो है करीबन कितना वक्त हुआ यहाँ पे लगा? हम लोगों ने स्टॉल आज ही सुबह इंस्टॉल किया है, वी वुड हैड डन इट ऑन द फर्स्ट मुहर्रम ओनली, लेकिन परमिशंस की वजह से कुछ दिन डिले हो गए, तो आज से हमने स्टार्ट किया, सो वी विल बी हेयर फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 days। करीबन सुबह से कितने लोगों ने यहाँ के जो है अपनी प्यास बुझाई और पानी? बहुत सारे लोग हंड्रेड्स में लोग आए जो पानी पीते हैं और जाते हैं, जो भी, जैसे कोई चलता है, आप आए, आपने पानी पिया या कोई आया, जो भी आया, सो इट्स फ्री फॉर एवरीवन। ये मुहर्रम के दिनों तक होगा? जी, ये 10 दिन तक होगा, आज चौथी मुहर्रम है, ऑलमोस्ट 15th मुहर्रम तक होगा। अब जो है मुहर्रम के दिन हैं चल रहे हैं और जुलूस भी काफ़ी कुछ ज़िलों में निकाले जा रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए ये मैसेज रहेगा कि वो इस टाइम में एक दूसरे की हेल्प करें, भाईचारे से काम लें, यूनिटी, बेसिकली मकसद पीस है, और इमाम हुसैन को याद करें कि जिनकी वजह से इस्लाम ज़िंदा है,
तो उसे भूलें ना, उसे भूलने ना दें, चाहे वो जैसे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा जो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, एक स्टाइल इंस्टॉल किया, काफ़ी तर लोग ऐसे होते हैं जो इस गर्मी में प्यास लगती है, और मैं कहूँगा इंसानियत के नाते भी ये बहुत अच्छा कदम है कि इस गर्मी में किसी को पानी पिलाना, ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। और मुहर्रम के दिनों की बात करें, जो इन दिनों में जो है जो शिया कम्यूनिटी है वो है सौग मनाती है इमाम हुसैन का। और ये भी आपको मैं बताते चलूँ कि काफ़ी तर ज़िलों में इन वक्त जुलूस भी निकलते हैं इन दिनों में, और जुलूस निकालते हैं बड़े ही पैमाने पर, इनके जुलूस देखने को मिलते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त लाल चौक मेन सिटी में जो है इन्होंने ये स्टॉल खड़ा किया है, और काफ़ी तर लोग आके यहाँ पे अपनी प्यास भी बुझाते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया इंसानियत के नाते, ये बहुत ही अच्छा कदम है। सलाम है उन लोगों को जो इंसानियत के नाते छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके लोगों को राहत दिलाते हैं, और तमाम है हर एक उस इंसान को सलाम है, हर एक उस इंसान को जो अपनी जानिब से कोई भी ऐसा काम करता है जिसकी वजह से इंसानियत को जो है राहत फराहम हो। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए जेके रिव्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।